उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के कल नतीजे आएंगे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने और केशव मौर्य के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई सीटों पर उम्मीद से कम मतदान के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर है। इस उपचुनाव में बसपा ने सपा को समर्थन देने का ऐलान किया था। ऐसे में विशेषकर फूलपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वही बिहार की अररिया लोकसभा सीट और भभुआ जहानाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे कल ही घोषित होंगे। आरजेडी ने यह उपचुनाव लालू यादव के जेल जाने के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा था। इसके अलावा पिछले चुनाव में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही बीजेपी जेडीयू ने इस बार साथ मिलकर उपचुनाव लड़ा है। देश की राजनीति तय करने वाले इन दो राज्यों से कल आने वाले नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है।